Welcome back to all my students. In the second volume of chapter number 1, large numbers. Okay, we have already covered the rest of the learning objectives in the first volume, and now I want to begin with the rest of the learning objectives. So here you can see the topic is ascending and descending orders. Okay, so ascending order means number arranged from smallest to greatest. ठीक है, ascending order का मतलब होता है कि हम number को उसके sequence में arrange करेंगे, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े number तक. तो इसमें बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. सबसे पहले आपको जो number है उसका वैल्यू पता होना चाहिए. तो वैल्यू कैसे हम पता करेंगे? प्लेस वैल्यू की मदद से. ओके, प्लेस वैल्यू इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. आप यहाँ पे एग्जांपल 10 के नीचे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन के नीचे देखिए. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. ठीक है, तो आप यह ध्यान से देखिए, जो 10,000 प्लेस है ना, उसमें 2, 3 और 6 लिखा है. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए नंबर्स को, सबसे पहले हम 10,000 प्लेस को सबसे पहले देखेंगे. ठीक है, तो सबसे लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू होता है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं. ठीक है, और सारे नंबर्स के प्लेस वैल्यू चार्ट में, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं. तो सपोज़ यहाँ पे हमने एग्जांपल 10 ले लिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं कि 10,000 प्लेस में 2, 3, 6 है. तो सबसे छोटा 10,000 के प्लेस में 2 हो गया. तो 2 जिसके साथ में है, 2, 3, 6. ठीक है, अब 2, 3, 6 देखने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि 1,000 के प्लेस पे 6 दिया हुआ है ना. तो 10,000 प्लेस 1,000 के प्लेस से बड़ा है. ठीक है, जब हम 10,000 के प्लेस को देख लिए, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे छोटा जो 6,406 लिखा है, उसमें हम उसको 0 मान लेंगे. तो अगर हम कंपेयर करेंगे सबको, 2, 3, 0 और 6 को, तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा हुआ? जाहिर सी बात है, 0 सबसे छोटा है, सबसे छोटा नंबर 0 है. तो हम पूरे नंबर को सबसे छोटा उसको मान लेंगे हम. ठीक है, तो 6,406 सबसे छोटा नंबर हुआ. उसके बाद 26,391. आप देख सकते हैं ना, 10,000 के प्लेस पे मैंने क्या कहा कि 2,306 मानना है हमको उसको. ठीक है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है तो हम उसको 0 मान सकते हैं. तो उसके बाद 6,406 सबसे पहला हुआ. उसके बाद हम अरेंज करके लिखेंगे तो 26,391 हो जाएगा. उसके बाद 32,156 हो जाएगा, फिर 68,721 हो जाएगा. ओके, ये है सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर का. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर बस उसका उल्टा होता है. ठीक है, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटा. आप यहाँ पे बगल में चार्ट में भी देख सकते हैं, उसमें गुड़िया बनी हुई है. तो सबसे छोटी गुड़िया, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. तो हमको सारे नंबर्स को पहले आपस को कंपेयर करना होगा, कि सारे नंबर्स में हम ध्यान से कंपेयर करना होगा कि इसमें से, इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है, या ये छोटा है या ये छोटा है. तो ध्यान से हर एक नंबर को हमें देखना है और फिर ध्यान से एनालाइज करना है कि अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग. यहाँ पे एक अदर एग्जांपल है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. लुक 1,000 प्लेस फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले हमको 1,000 के प्लेस को सबसे पहले देखना है. अब यहाँ देखिए ध्यान से, 10,000 का प्लेस है. ठीक है, और 10,000 के प्लेस पे 5 दिया और कुछ नहीं दिया है. ठीक है, तो अभी हमको इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज. ठीक है, आप असेंडिंग कर सकते हैं या डिसेंडिंग कर सकते हैं. हम यहाँ सबसे पहले वैल्यू उसको सीखेंगे, वैल्यू कैसे हम लेते हैं, उसमें सबसे नंबर छोटा कौन सा होता है, कौन सा बड़ा होता है. ठीक है, तो
जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा वंस होता है, उसके बाद उससे बड़ा टेंस प्लेस वैल्यू होता है, उससे बड़ा 100 प्लेस वैल्यू, उससे बड़ा 1000 प्लेस वैल्यू, उसके बाद 10000 आता है। तो 100 तक में तो सब सेम है, ठीक है, हम 100 तक में तो नंबर देख रहे हैं सब सब में फेल है, लेकिन फिर 10000 है और 10000 भी है। तो 10000 को भी हम नहीं देखेंगे, भी हम 1000 को देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 1000 को देखते हैं, ठीक है, 1000 में देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 0 0 मान लेंगे हम उसको, जैसे मैंने पहले बताया अभी। उसके बाद 8, ठीक है, तो जिसमें 0 0 माने माना है। अब दोनों, अब उन दोनों में कंपेयर करेंगे, मतलब कि 381 और 999, इन दोनों नंबर को सबसे पहले हम देखेंगे। तो इन दोनों नंबर्स में सबसे पहले हम 100 के प्लेस में जाएंगे, तो 381 छोटा, सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 381, ठीक है। तो 381 सबसे पहला नंबर हो गया। फिर सेकेंड नंबर क्या हो गया, 999 ले लेंगे, ठीक है, दूसरे नंबर पर 999 हो जाएगा। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 1815 आ रहा है, है ना, 1815 ले लेंगे। उसके बाद ले लेंगे हम 4865, आप बगल में भी देख सकते हो, वहाँ पे भी इसके उसके नीचे ही जैसे लिखा हुआ है, ओके। तो अब लास्ट में हमारे आया, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा 58061 लिखा है, वो अकेला नहीं है, एट अकेला नहीं है, एट अकेला हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 58061, ठीक है, तो ये आखिरी हो जाएगा नंबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो 100 प्लेस को जैसे मैंने बताया कि सेकंड है, तो ये उसका आंसर हो गया, सबसे छोटा 381, उसके बाद 999, फिर 1815, 4865, फिर 58061, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सब बस उसका उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले नंबर को लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने क्लास 1 और 2 में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को, क्लास 1 से पढ़ रहे होंगे आप, कि जो बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके तरफ मुंह बड़ा कर देते हैं बस, ठीक है ना, उससे याद रखिएगा आप लोग। देखिए आप 381 और 999 में से कौन सा बड़ा है, 999, तो उसके तरफ वो कंपैरिजन के लिए हम उसको ओपन कर देते हैं, जो नंबर बड़ा है बस उसके सामने ओपन रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, तो आप कभी नहीं आप भूलेंगे, ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं, आप हाँ ये एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 1C, ठीक है, ये एक्सरसाइज में मैंने कंपैरिजन में बताया हुआ है, जो बड़ा नंबर है उसके सब उसके साइड में जो मुंह है वो ओपन है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, बहुत इजी है, आप लोग उसको वीडियो स्टॉप करके, ये प्रैक्टिस है, आप उसको रफ कॉपी में प्लीज़ सॉल्व करिएगा, ओके। आपको वीडियोस तो मिलेंगे ही, और आपको SCA के ऐप में सारे जो स्मार्ट कंटेंट्स हैं, सारे स्मार्ट कंटेंट भी मिलेंगे, और आपको स्मार्ट मैथ्स की कॉपीज़ भी मिलेंगी, मास्टर कॉपी भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग सब सबके ग्रो थ्रू होइएगा, ठीक है। टीचर्स अभी नहीं है आपके पास, पर अपने आप को अपने डिसिप्लिन करके रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस करना होगा बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ रेगुलरली मैथ्स को प्रैक्टिस करिए, बिकॉज रेगुलरली आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, लिखिए लिखिए, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैप्स में आपका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला वाला 3 0 2 4 और 7। अब इस क्वेश्चन का मैं पहले आपको मतलब बताने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इन नंबर्स का यूज़ करके हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें से, ठीक है, हम देखते हैं इसको। फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स, ठीक है, ए वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला ए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर
मैंने क्रॉस किया है एक नंबर को और एक नंबर को टिक किया है, ठीक है। तो 0, 2, 3, 4, 7 बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि 0 तो सबसे छोटा है, हम इसको सबसे पहले आगे 0 लिख देंगे, है ना। लेकिन बच्चों आप इसको ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि सबसे पहले अगर हम 0 लिख देंगे तो 0 की सब आना किसी नंबर के सबसे पहले 0 लिखने के लिखने से 0 की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देखिए 0, 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन 1, 0 का मतलब क्या होता है, 10 होता है ना। तो सोचिए आप नंबर के बाद 0 लगाएंगे तो नंबर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन नंबर के पहले 0 लगाएंगे तो नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे लिखते हैं आप 002, ठीक है, तो 002 और 200 में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो 0 का मतलब होता है अब वैल्यू बढ़ाना, नंबर के जब पीछे लगता है तब वो वैल्यू बढ़ाता है, ठीक है। तो अब हमको यूज़ करना है 0 को और फिर स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम आगे लगा दिए और फिर इसको कोई मतलब नहीं रह गया, तो फिर फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। मैं आपको रॉन्ग पार्ट भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ये गलती ना करें कभी भी, क्योंकि और भी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। तो अब सबसे छोटा नंबर जो फॉर्म होगा 30247 को यूज़ करके वो होगा 20347, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर होगा 74320, ठीक है। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा चीज़ें। अब आप लोग देखिए ई वाला भी मैंने लिया है, इसमें 54041 तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा बन गया 10445, मतलब कि 10,445, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर इस तरह से हमने ले लिया। अब 4 2 times दिया तो 4 times 2 times भी लेंगे हम, बराबर में इसको लिख लेंगे, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। 54410, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 में आ रहा है वो है एस्टीमेशन राउंड ऑफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ये चैप्टर का क्लास 4th के मैथ्स चैप्टर का लार्ज नंबर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से है ये, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने टर्म्स भी लिखे हैं तो आप लोग उस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, जहाँ मैं बोलूँ उसको उस तरफ नज़र भी करिएगा। लिखा है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन मिडिल नंबर, सबसे पहले लिखा है, ठीक है। एस्टिमेटेड एस्टिमेशन मतलब राउंड ऑफ होता है, और इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन मिडिल नंबर तो राइट एरो दिखा रहा है ना, राइट तरफ मुड़ना है हमको। मतलब कि अब हम पहला एग्जांपल लेंगे तो उससे समझेंगे। 493 दिया है, ठीक है, हमको इसको राउंड ऑफ करना है टू द टेंथ प्लेस, ठीक है, राउंड ऑफ करना टू द टेंथ प्लेस। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ, राउंड ऑफ का मतलब नंबर्स को राउंड करके चेंज करना, एक कंप्लीट नंबर बनाना, ठीक है ना। अब जैसे कि आप उसको हिंदी में कह सकते हो लगभग, इसका हिंदी में मतलब होता है लगभग, ठीक है, लगभग इतना है। अब कहते हैं ना जैसे कि आप आपको मान लो 93 रुपए मिले हैं तो आप लोग बोल सकते हो 90 रुपए मिले थे, है ना, लगभग करके, तो वो हम अंदाज़ा लगा के बोलते हैं। तो यहाँ पे भी मैथ्स में हम उसको एस्टिमेशन बोलते हैं, एस्टिमेशन मतलब लगभग लगभग कितना हो रहा है। तो उसका चीज़ा फॉर्म उसका भी फॉर्मूला है, उसका करने का तरीका है, क्या है तरीका हम लोग इस चैप्टर में सीख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो 493 है तो उसका स्केल बनेगा 90 से लेकर 100 तक, 90 से 100 तक में 10 डिजिट्स का गैप है, ठीक है। तो या तो 493 टेंथ प्लेस पे स्किप करेगा, या तो वो 90 की तरफ जाएगा या तो वो 100 की तरफ जाएगा। तो वो जिसके नियर में है ना, टू द नियरेस्ट टेंथ पे इसको राउंड ऑफ करना है हमको, तो अगर जिसके नियर में है उस तरफ वो चला जाएगा। तो 493 राउंड ऑफ होने के बाद 490 हो गया, क्योंकि 93 90 के पास में है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, जो मिडिल नंबर होता है, ठीक है, मिडिल नंबर अगर वो पर्टिकुलर नंबर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वो उसके गैप के अकॉर्डिंग और उसके मिडिल नंबर से ज़्यादा होता है या मिडिल नंबर होता है,
तो वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है इफ इट इज़ ग्रेटर देन मिडिल नंबर, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल दे रही हूँ तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात को आप फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट बी में आते हैं हम लोग, 4850 इसका मतलब है या तो ये पूरा राउंड ऑफ होके 4850 होगा या तो 4860 होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नियरेस्ट 10 का मतलब हो गया या तो पूरा घूम के 50 में चला जाएगा या तो 60 में चला जाएगा। तो जाएगा कहाँ? जिसके नियर है उसमें जाएगा, तो इसलिए राउंड ऑफ होके हमारा आंसर आया है 4850। अब सी वाले में आते हैं, सी वाले में आप देख सकते हैं 880। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 870 या 880 में से मिडिल नंबर हमारा हो गया 75, ठीक है, 70 से लेकर 80 तक हमारा नंबर है, ठीक है ना, और मिडिल नंबर हमारा हुआ 75। तो जैसे मिडिल नंबर आया और उससे ग्रेटर नंबर कोई भी होता है, मिडिल नंबर और उससे ग्रेटर नंबर, तो वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, मतलब कि 80 के साइड में शिफ्ट कर जाएगा, तो हमारा राउंड ऑफ होके 80 आ जाएगा, है ना। अब आप सपोज़ करिए यहाँ पे होता 874 अगर यहाँ होता तो हम उसको 870 ले लेते। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है ना। अब डी में आते हैं, 2827, ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2830 लिया हुआ है मैंने, क्योंकि वो 30 के नियर है, 20 के नियर नहीं है, ठीक है। यही होता है मतलब राउंड ऑफ टू द टेंथ प्लेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आप ध्यान से एग्जांपल्स को भी, बुक के एग्जांपल्स को भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे राउंड ऑफ आया टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 100 प्लेस, इसको कैसे हम देखेंगे, 678 है, ठीक है, पहला नंबर, तो 100 के प्लेस वैल्यू में हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो 100 की प्लेस वैल्यू पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 लिखा हुआ है, तो या तो ये 600 होगा या तो 700 होगा, ठीक है, मिडिल नंबर इसका होगा 650। अगर ये 650 से ज़्यादा है या 650 भी है तो ये पूरा राउंड ऑफ होके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा, जैसे मैंने आपको इसके पहले यहाँ बताया, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन मिडिल नंबर, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, 700 पे, ठीक है ना। अगर ये 650 होता तो भी 700 में जाता, लेकिन अगर ये 649 होता तो ये हमारा 600 में ही रहता, ठीक है ना। हाँ, तो अब बी में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 792, या तो ये 700 होता या 800 होता, तो मिडिल नंबर हमारा, बीच का मिडिल नंबर होता है, जैसे कि 1 से 100 तक हम लिखते हैं तो मिडिल नंबर 50 होता है, उस तरह से इसमें 700 से 800 में देखेंगे तो मिडिल नंबर हो जाएगा हमारा 750। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं आप, बी में लिखा है 792, तो 92 किसके करीब में है, ठीक है, आप जानते ही हैं 800 के करीब है, तो हमने यहाँ 800 ले लिया है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिए बीच में नंबर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, लेफ्ट साइड में टेंथ प्लेस पे है और राइट साइड में 100 प्लेस पे है। 58 अगर टेंथ के प्लेस पे राउंड ऑफ होगा तो 60 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि या तो 50 हो सकता है या तो 60 हो सकता है, तो 58 किसके करीब में है, 60 के करीब में, तो ये राउंड ऑफ होके 60 हो गया है। अब इसमें 100 के प्लेस में देखते हैं, या तो ये राउंड ऑफ होके 00 हो जाएगा या तो ये राउंड ऑफ होके 100 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा, 58 अगर है, अगर ले रहे हैं तो हमको 100 के नंबर का पूरा पूरा गैप लेना होगा, तो 0 से लेकर 100 तक में हम देखेंगे, तो 58 जो है मिडिल नंबर से क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया तो उसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, मतलब कि 100, तो ये राउंड ऑफ होके 100 बन गया, ठीक है। मेरी आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो फिर से वीडियोस को रिवाइज़ करिएगा, देखिएगा। 14 को हम राउंड ऑफ करेंगे टेंथ प्लेस पे, तो आएगा हमारा 10, और 14 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 100 के प्लेस पे तो हमारा आएगा 00। 10 को अब 10 ही लिया है, 10 का 10 ही हो जाएगा, लेकिन 10 से लेकर 20 तक का स्केल बनेगा, लेकिन वो 10 सबसे नियर में 10 के पास है,
इसीलिए हम इसको टेंस प्लेस पे 10 ही रखेंगे, और 100 प्लेस पे हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो ये आप इसको वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, इसको बहुत ही ईजी आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप देखिए 99 को राउंड ऑफ करके यहाँ 100 लिया गया, उधर भी 100 लिया गया। क्यों? क्योंकि 99 में जब हम इसको इसका स्केल लेंगे, जब हम गैप लेंगे 10 नंबर्स का, तो ये स्केल बनेगा हमारा 90 से लेकर 100 तक का, तो ये जाएगा तो 100 तक में ही। ठीक है, और अगर हम इसको 100 प्लेस में भी देखेंगे तो 0 से लेकर 100 तक फिर भी स्केल बनेगा, क्योंकि 100 नहीं बनेगा तो फिर 100 के प्लेस वैल्यू को हम नहीं ले पाएंगे। तो 99 है तो 100 के करीब में, तो इसलिए 100 पे चला गया। तो 99 को हम जब राउंड ऑफ करेंगे 10 और 100 प्लेस पे, तो दोनों नंबर सेम आएंगे। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें 10 और 100 प्लेस में दोनों सेम आ सकते हैं। ठीक है, 42 में आप देखिए इसको 40 आया है और 100 प्लेस पे 40 है। ठीक है ना, वीडियो को स्टॉप करिएगा और उसको ध्यान से समझिएगा। बुक्स के एग्जांपल से मैंने जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लिया है समझाने के लिए, वो भी आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा आया है चैप्टर 1 में, वो है रोमन नंबर। अब रोमन नंबर बच्चों बहुत ही ईजी है, मेरी बात मानिए आप। अगर आपको 1 से 10 तक आता है, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 का सिर्फ अगर आपको रोमन नंबर याद हो गया, तो आपको 1 से लेकर 100 तक का सब रोमन नंबर याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें देखिए ध्यान से, 10 का x होता है, ठीक है, 20 का डबल x हो जाएगा, ठीक है, 30 का ऊपर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल x हो गया, 40 का XL हो गया। ठीक है ना, तो अब देखिए XL क्यों हुआ, जब 10 को हम x मानते हैं तो दो बार x अगर लिखेंगे तो 10 + 10 क्या हो गया हमारा 20। ठीक है, 10 + 10 हो गया 20, और तीन बार अगर x लिख दिया हमने तो हो गया हमारा 30, 10 + 10 + 10। ठीक है, रोमन नंबर बेटा जो है आपका बहुत ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये रोमन नंबर का मतलब आप नंबर को इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देखिए 40 को लिखा हुआ है XL, मैंने उसके ऊपर छोटा छोटा लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना, ये देखिए 40 में लिखा XL, तो 40 का मतलब हुआ, L का मतलब 50 होता है, और जब हम X उसके आगे लगाते हैं तो मतलब 50 से हम 10 माइनस कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आ जाता है 40। ठीक है, ये होता है वैल्यू। ठीक है, फिर XL1, ठीक है, XL2, XL3 ऐसे लेते हैं हम, क्योंकि अभी तक हमारा 39 में था तो ट्रिपल एक्स के साथ आ रहा था, अब 40 आ गया तो XL मान लिया, उसके बाद XL के बाद, क्योंकि अगर हम XL नहीं मानेंगे तो 4X लेंगे या 5X लेंगे तो हमारा नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, इसलिए एक करेक्ट सिंबल होता है जिससे हम रोमन नंबर्स में नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक मिस्टेक है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 39 में मैंने डबल एक्स लिखा है, ठीक है, वो ट्रिपल एक्स होगा। ठीक है ना, वो ध्यान दीजिएगा, मेरे गलती से मैं मुझसे छूट गया, ठीक है, इसलिए मैं ऑडियो में आपको बता दे रही हूँ वो मिस्टेक। ठीक है, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। ठीक है ना, अब आप लोग देखिए यहाँ पे 50 में L लिखा हुआ है, तो 51 का L1 हो जाएगा, 52 का L2 हो जाएगा, 53 का L3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरे वीडियो का लास्ट पेज है, जिसमें मैं आपको रोमन नंबर लिख के समझा रही हूँ, क्योंकि बुक में उतने अच्छे से नहीं दिया है। ठीक है ना, ये बहुत ही इजी तरीका है। देखिए आप 60 को ध्यान से देखिए, लिखा है LX, तो L का मतलब तो 50 हो गया, जब X उसके बाद में हम जोड़ रहे हैं तो 50 + 10 यानी कि 60 हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा पहले ही, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 का ही अगर रोमन नंबर याद है तो आप पूरा 1 से लेकर 100 तक लिख सकते हैं। और वो बच्चों आप इतने तो स्मार्ट हैं कि आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना,
अब आप देखिए 100 का होता है सी, ठीक है, तो 90 का एक्स सी हो गया, बाकी सब आपको क्लियर है। 70 का एल डबल एक्स है, एल का मतलब 50, फिर 2x का मतलब 20 हो गया, तो 50 प्लस 20 हो गया 70, ठीक है। इस तरह से हमारा रोमन नंबर फॉर्म होता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इसको अच्छे से, ठीक है, ये मेंटल मैथ्स है, ये मेंटल मैथ्स का मैंने सॉल्यूशन ऐसे दे दिया आपको, ठीक है। तो आप लोग वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, समझ सकते हैं अपने से, ये एंड ऑफ द वीडियो है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ रिवाइज करिएगा सारे कंटेंट्स को। थैंक यू सो मच।